आसाराम बापू से लेकर निर्मल बाबा तक हमारे देश में एक से बढ़कर एक बाबा को देखा है, लेकिन इस वक्त हर जुबान पर एक ही नाम है, बागेश्वर बाबा का। उनके कारनामे और बोलने का अंदाज निराला है, लेकिन अब वो खुद मुसीबत में पड़ गए हैं क्योंकि मीडिया और पुलिस उनके पीछे हाथ धोकर पड़ गई है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला और वीडियो में बने रहें। एक टीवी शो के दौरान माइंड रीड करने वाली सुहानी ने कहा है कि अगर बाबा हमारी तरह माइंड रीड करते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन इस कला को बालाजी की कृपा कह करके लोगों में अंधविश्वास ना फैलाएं। अपने एक कार्यक्रम के दौरान जब धीरेंद्र शास्त्री नागपुर पहुंचे तो वहां की कमेटी ने उनके ऊपर अंधविश्वास का आरोप लगाया और उन्हें चैलेंज किया कि जो ये चमत्कार अपने धाम पर करते हैं वही चमत्कार ये हमारे सामने दिखाएं। लेकिन कमेटी वालों का कहना है कि धीरेंद्र शास्त्री इस चैलेंज से इतना घबरा गए कि वह वापस अपने धाम लौट गए। इसके बाद उस कमेटी के अध्यक्ष ने धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई की मांग की है। बड़े बड़े मीडिया चैनल उनके चमत्कार पर सवाल उठा रहे हैं और उनके बाद वह मीडिया चैनल पर भी गए और वहां उनके तीखे सवाल पूछे गए। इन सबसे परेशान होकर धीरेंद्र शास्त्री ने मीडिया चैनलों को अपने धाम पर बुलाया और साथ ही पुलिस भी उनके धाम पर पहुंची। लेकिन मीडिया वालों के सामने बाबा ने मीडिया के कुछ लोगों के पर्चे निकाले, जिन लोगों को बाबा पहले से नहीं जानते थे, और यह पर्चे सही साबित हुए। तो यह चमत्कार देख करके मीडिया वालों के होश उड़ गए हैं और वह इस चमत्कार को देखकर विश्वास करने पर मजबूर हो गए हैं। इस वीडियो में इतना ही। लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाने ना भूलें, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहे।